हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हरी मिर्च का झुरी कैसे बनाया जाता है, जो खाने में बहुत ही लाजवाब और टेस्टी हो और तीखा भी ना लगे, और इसे बच्चे भी चाहे तो खा सकते हैं। दोस्तों, तो बरसात का मौसम आ ही गया है और आप बनाइए फटाफट हरी मिर्च का झुरी। और चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने प्यारे से किचन में और दिखाते हैं कि हरी मिर्च का झुरी कैसे बनाया। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन हो आपके मोबाइल पे जा सके और आप हमारे प्यारे वीडियो को देख सके। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हरी मिर्च का झुरी कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसे बनाने के लिए हमने पहले से यहाँ हरा मिर्च इकट्ठा कर लिया है। आप चाहे तो इससे भी बड़ा बड़ा मिर्च ले सकते हैं, उसे आपको और मजा आएगा खाने में। हमने थोड़ा छोटा आकार का ही मिर्च लिया है दोस्तों। और इसे बनाने के लिए आप देख सकते हैं हमने लिया है यहाँ पे मसाला, जो है लाल मिर्च, धनिया और जीरा मिर्च का हल्का सा हमने पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पे हमने लिया है बेसन, और यहाँ पे तेल, नमक, हल्दी और अजवाइन लिए हैं दोस्तों। तो इतनी ही कम सामग्री से हम आपको आज बनाकर दिखाएंगे बहुत ही बेहतरीन झुरी, जिसे आप एक बार खाइएगा तो बोलिएगा वाह, क्या ये झुरी हुआ है मिर्च का, ये बिल्कुल तीखा नहीं लगता है दोस्तों। तो चलिए हम आपको देर नहीं करते हैं और फटाफट बताते हैं कि मिर्च का झुरी कैसे बनाए ताकि तीखा ना लगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कढ़ाई रख दिया है, और हमारा कढ़ाई जो है गर्म हो रहा है, तब तक हम मिर्च का मसाला तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं पहले हम इसके डंठल को लेकर फटाफट तोड़ लेंगे। सारे डंठल को हम एक एक करके तोड़ लेंगे। आप देख सकते हैं हमने सारे मिर्च के डंठल ऊपर से हमने तोड़ लिया है। अब हम इसे बीच से कट करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है अंदर तक जा सके। आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से हमने कट कर लिया है इसे। ऐसे ही मिर्च को बीच बीच से कट कर लेंगे। तो गर्म हो चुका है, अब हम इसमें तेल ऐड करेंगे और तेल को गर्म करेंगे अच्छी तरह से। तो आप देख सकते हैं हमने सारे मिर्च को बीच से कट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। दोस्तों, हम नमक इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही डालते हैं। आप देख सकते हैं इसको मुंह के फैलाकर, बिल्कुल फैलाकर हम इसके अंदर नमक को ऐड कर देंगे। इससे हमारा जो मिर्च का तीखापन होता है वो कम हो जाता है। हम इसमें थोड़ा ज्यादा ही नमक को ऐड करके उसके मुंह को बंद कर देते हैं। तो ऐसे ही करके दोस्तों हम सारे मिर्च में नमक को ऐड कर लेंगे, उसके बीच वाले भाग में जो हमने कट करके रखे थे। तो आप देख सकते हैं हमने सारे मिर्च को अच्छी तरीके से इसके मुंह के अंदर नमक को ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसका बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए हमने बेसन पहले से ही इसमें रखा है दोस्तों, और जो हमने मसाले के पेस्ट तैयार करके रखे थे उसमें से हम एक चम्मच ऐड कर देंगे, और उसके बाद डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। आप देख सकते हैं चुटकी भर डालेंगे हल्दी पाउडर, हल्का सा डालेंगे हम अजवाइन, और अजवाइन को हम हल्का सा क्रश कर लेंगे, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जितना लंबा लंबा, बड़ा बड़ा और मोटा मोटा हमारा मिर्च रहेगा दोस्तों, उतना ही लाजवाब हमारा मिर्च का जो झुरी है बनके रेडी हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं अब हम इसके बैटर को फटाफट तैयार करेंगे। हल्का सा पानी डालेंगे और अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें जो रहे वो गुठलिया ना रहे। इसलिए हम इसे कम पानी डाल के पहले इसका पेस्ट तैयार करते हैं, उसके बाद डालेंगे और हल्का सा हम पानी, हल्का सा पानी ऐड करेंगे। और बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा पेस्ट जो है तैयार हो गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा बैटर जो है कितना गाढ़ा बन के तैयार हुआ है। हमारा तेल जो है बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम एक मिर्च को लेंगे और इस पेस्ट में डुबो देंगे, आप देख सकते हैं। और फटाफट हम तेल में ऐड कर देंगे दोस्तों। थोड़ा मेरा मिर्च छोटा है इसलिए छोटा छोटा दिख रहा है, आप इसे बनाते समय बड़ा बड़ा मिर्च लाएं। और ऐसे ही करके हम सारे मिर्च को
तेल में अच्छी तरह से फैला देंगे एक एक करके चारों तरफ से, और इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पर रखेंगे ताकि हमारा मिर्च जो है अच्छी तरीके से बन सके, नहीं तो हमारा मिर्च जो है ज़्यादा तेल ले लेगा। तो आप देख सकते हैं हमारा नीचे वाला मिर्च का जो भाग है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे अच्छी तरीके से पलट लेंगे और इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। दोस्तों आप चाहे तो इसे बरसात में भी मजा लेकर खा सकते हैं, इस समय तो इसे खाने में बहुत ही मज़ा आता है। दोस्तों मिर्च का पकौड़ा बहुत ही टेस्टी होता है, आप यकीन मानिए, और ये ज़्यादा तीखा भी नहीं लगता है इस तरीके से बनाने में, इसलिए हम इसे अच्छी तरह से उलट पुलट कर पका लिए हैं। दोस्तों तो ये रहा हमारा मिर्च का पकौड़ा, जिसे हमने बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करके अच्छी तरीके से पका लिया है। आप देख सकते हैं इसे हम कितने अच्छी तरीके से पका रहे हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये रहा हमारा गर्मा गर्म झूरी, मिर्च का झूरी, कैसा लगा आपको? दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा ये झूरी जो है बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा हरा मिर्च का झूरी जो है बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये कितना कुकरा और क्रिस्पी हुआ है। आप देख सकते